दूसरों का पता नहीं, लेकिन तुम जरूर बदल गए हो। पिछले 24 घंटे से लगातार शराब पी रहे हो। तुम बताओ, चाहे बोतल के खत्म हो जाने के बाद भी इसकी कीमत वही रहती है? खत्म होने से इसकी कीमत कुछ नहीं रही, मगर मैं बोतल नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। मेरे जी में जो आया मैं वही करता रहा हूं और वही करता रहूंगा, समझी? बुझा नशे में मैंने तुम्हें डांट दिया। I'm sorry. तारा दोष नशे का है, तुम्हारा कुछ नहीं? हाँ, मेरा भी है। पूजा, I love you. I love you, पूजा. I love you, पूजा. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अब भी अपने आप को संभालो रितेश। घर में बैठे-बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, कुछ तो करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी तस्वीर लेकर लोगों के ऑफिस में जाऊं, उनसे हाथ जोड़कर कहूं कि मुझे नौकरी चाहिए? ओहो रितेश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लोग तुम्हें काम देने नहीं आते, तुम बाहर जाकर काम नहीं ढूंढोगे, कैसे चलेगा? खाने जेवर बिक गए। तुम जानते हो, ये खाना जो तुम खा रहे हो, वो शराब जो तुम पीती हो, और ये शर्ट जो तुमने पहन रखी, ये कहाँ से आती, कैसे आती है? बताओ ना भी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये खाना, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये शर्ट, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये एहसान, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रितेश, शराब में पीता हूँ क्या? दश तुम्हारी कमजोर होती जा रही है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुबारक। सॉरी रितेश। वो आदमी कौन? कौन आदमी? जो तुम्हें छोड़ने आया। आलोक बहुत पहला आदमी है रितेश। आज से मैंने होटल की नौकरी छोड़कर उनकी फॉर्म ज्वाइन कर ली। बाहर जाओगी तो भला आदमी मिलेगा ही, और वो भला आदमी तुम्हें रात के 11 बजे घर छोड़ने भी आएगा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो रितेश? हाँ, शक नहीं कर रहा। तुम बहुत खूबसूरत हो, और तुम्हारी खूबसूरती से अच्छे अच्छे की नीयत बता सकती है, भले आदमी की भी। तुम एक काम करो रितेश, मेरा चेहरा बिगाड़ दो, हाथ डाल दो मुझ पर। घर पर नहीं बैठ सकती। अगर तुम घर में बैठोगे और मैं घर में बैठूंगी तो घर कैसे चलेगा? मच बेटर, कंटिन्यू विद द सेम टैबलेट्स पूजा। ये आए दिन की मारपीट, ये क्या हो गया रितेश? पहले तो ऐसा नहीं था। काम में ही रहने से कुछ खिंचा गया, एक बेनाम सा गुस्सा। लोग ग्लास या प्लेटें तोड़ते हैं, वो मुझे मारता है। तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं अनिल, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि मैं अपने घर की बातें बाहर वालों से करती हूँ। मैं बाहर का आदमी हूँ। तुम तो अपने ही हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। मैंने रितेश के प्यार की इंतहा देखी,
मैं उसके क्रोध और अपने सब्र की सीमा देखना चाहती हूँ। पूजा, मैं डरता हूँ तुम्हारी ये जिद तुम्हारे घर को तोड़ के ना रखते। पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई नई बात है? बात वही पुरानी है, लेकिन आज मैं ठंडे दिमाग से कहूंगा और तुम ठंडे दिमाग से सुनोगी। हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है। तुम ये नौकरी छोड़ सकती हो पूजा, इसलिए कि तुम आलोक से प्यार करती हो। आलोक अच्छा आदमी है, मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मेरा दोस्त है। बस तुम मेरे पति हो, रोमी मेरा बेटा है। लेकिन रितेश, इन सारे रिश्तों से पढ़कर एक और भी रिश्ता है मेरा अपने आप से। रिश्तों की भीड़ में मैं अपनी पहचान भूल गई थी। मैंने नौकरी पैसों के लिए की थी, लेकिन अगर आज तुम ये जरूरत पूरी कर भी दो तो भी मेरा काम करना बहुत जरूरी है रितेश, अपने आप से पहचान बनाए रखने के लिए। इसके लिए तुम्हें इस घर से रिश्ता तोड़ना होगा और मुझसे भी। सोच लो, सालों के रिश्ते तोड़ने से नहीं टूटते रितेश। सोच लिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगी, रोमी की खातिर आऊंगी। जिस दिन मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। पूजा, घर बसाने में सालों साल लग जाते हैं। तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए और रितेश से माफी मांग लो। मैंने घर नहीं छोड़ा, घर ने मुझे छोड़ा। मुझे तुम्हारे नसीहत की जरूरत नहीं है, मुझे मदद चाहिए। पूजा, मैं नसीहत नहीं दे रहा, मैं एनीवे, बेंगलोर में तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो सकता है। अब इसे मेरा एहसान मत अपने ऊपर समझना। मैं उन लोगों में से नहीं जो मदद के बदले में कुछ चाहते हैं। बेंगलोर में भी हम दोस्त के नाते रहेंगे। एक औरत और एक मर्द होने के नाते तुम में और मुझ में उतना ही फासला होगा जितना आज है। सो यू कैन रिलैक्स, ओके? थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी पूजा जी, आप रोमी से नहीं मिल सकती, उसके बाप ने बहुत सख्ती से मना किया है। मैं रोमी की माँ हूँ। देखिए, बेंगलोर से आई और मुझे लगता है कि आज उसका जन्मदिन है। मैं उसके दोस्तों में कुछ मिठाई बांटना चाहती हूँ, इसमें किसी का क्या बिगड़ सकता है? देखिए मैडम, स्कूल के अपने कायदे कानून हैं, डिसिप्लिन है। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आई एम सॉरी। कैन आई सी हिम वंस प्लीज? मैडम प्लीज। चलो, थैंक यू।